तो आज हमें जाना है वो टॉप पे ऊपर, देखते हैं आपको दिखाते हैं वहां के नजारे आज। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बंदला। एक्चुअली वहां पे हमारी बुआ रहते हैं, उनके घर में उन्होंने हमें काफी टाइम से बुलाया था। और आज जो है हिंदू कल्चर की साजी है, कोई फंक्शन मतलब साजी होती है, तो वो भी है एक। तो हमने सोचा कि चलो वहीं पे जाके सेलिब्रेट करते हैं, तो अभी हम वहां जा रहे हैं। तो हुआ यूं एक्चुअली कि शादी के बाद हम बुआ जी के घर पे एक बार भी नहीं जा पाए थे। हमने बहुत कोशिश किया पर नहीं जा पाए। तो इस बार जो है वो साजी थी और हम अपने घर भी नहीं गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो त्यौहार है इसको बुआ जी के यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और हम निकल पड़े। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि बरसात के सीजन में कितना सुंदर हो रखा है वेदर, हर जगह हरियाली हरियाली, और ये सब देख के हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और हम चाह तो रहे थे कि हम हर जगह पे रुकें, बट यू नो कि बरसात का मौसम है, ड्यू टू वेदर हम हर जगह नहीं रुक सकते। यहाँ जो आपको नीचे गांव दिखाई दे रहा है वो है सीढ़ा गांव, और अगर हम थोड़ा सा इधर आएँ तो वो सामने दिखाई दे रहा है, वो है बागा फैक्ट्री। उसके पीछे है पीयू के घर, जिसकी वीडियो आपने देखी अभी थोड़े टाइम पहले। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है पीछे, और सारी वादियाँ आप देख सकते हैं, मंडी तक का एरिया यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा बंदला हिल्स का नज़ारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो अब हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। वीकेंड में ना जो हिल स्टेशन है वहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है, तो जो यहाँ पे लवर पॉइंट है वहाँ पे हम नहीं रुके, हम डायरेक्टली बुआ जी के घर के यहाँ निकल गए। तो अभी हम पहुँच गए बंदला हिल के पास, शायद अभी हम जाएंगे नहीं, अभी हम जाएंगे परनाली। परनाली स्टेशन है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, पहले वहां जाएंगे उसके बाद हम बंदला हिल्स पे घूमने आते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो बुआ जी ने हमारे लिए हिमाचली डिश आइकलू बना रखी थी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। थैंक यू सो मच बुआ जी। तो अभी हम पहुँच गए हैं बंदला में, और बंदला में जो है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि हमारे देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो यहाँ पे ही खुला है। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि हम यहाँ पे इस जो कॉलेज है इसमें घूमेंगे और इसका शूट आउट करेंगे, और आपको भी यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर कॉलेज बना हुआ है, और शायद अब तो बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको सारे नज़ारे। रेडी हो रहा है ना? रेडी हो रहा है। अच्छा क्लास से आ जाएंगे। अच्छा।
अच्छा ये बना है इधर उनका ऑडिटोरियम है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है और अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से नीचे बिलासपुर भी दिखाई देता है और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है और अंदर से आपको रूम वगैरह भी दिखाएंगे कि कितना बेहतर हो चुका है अब यहाँ पे। तो आप इंजॉय करिए वीडियो जो। और हाँ, हमें यहाँ पे मेरे एक अंकल जी मिल गए, मेरे गाँव से हैं अमर अंकल जी, वो आर्मी रिटायर्ड हैं और अभी यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं तो उनकी हेल्प से अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं। दैट इज रियली हेल्पफुल। वाओ, सारा यहाँ पे स्टोर होगा। ये जो है ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की और यहाँ से इसकी एंट्रेंस हुई, यहाँ से अंदर जाते हैं और अभी आपको ऊपर से भी दिखाते हैं इसका व्यू कि यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी हमें अंकल जी देखो आगे घुमा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है यहाँ पे, आइए कभी आप। यहाँ पे बॉय हॉस्टल बन रहा है और ये सामने देख रहे हो आप ये बड़ी बिल्डिंग, ये भी बॉयज़ हॉस्टल है और उसके पल्ली साइड जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ ये जो वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसमें बनेगी पार्किंग और उससे ऊपर बॉयज़ हॉस्टल बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एरिया, यहाँ से जितनी भी बिजली सप्लाई होगी वो यहाँ अभी हम पहुंच गए हैं बंदला और बंदला में हम जा रहे हैं जहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्पॉट है। तो अभी आपने देखा बंदला का स्कूल जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और अब हम आपको दिखाएंगे पैराग्लाइडिंग पॉइंट। तो देखिए उसको कि अब वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं, क्योंकि पिछली वीडियोस में जो आपने देखा होगा उसको थोड़ा कंपेयर कर लेना कि कुछ नया हुआ है वहाँ पर कि नहीं। डेवलपमेंट तो हो ही रही है पूरे देश में। वैसे तो पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक रोड भी बन गया है बट यहाँ से तकरीबन 700 मीटर या 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर है रास्ता जो पैदल चलना पड़ता है पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक। तो अप टू यू, गाड़ी ले जा सकते हो तो ले जाइए, नहीं तो पैदल ट्रैक करिए, पैदल इज़ ऑलवेज बेस्ट। ये है रोड जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक ठाक ही रोड है एवरेज सा, पर ये एक ही रोड निकल गया अब और मक्की देख लिए
बंदला में कितनी बड़ी मक्खी होगी है, अगर आप अपने घर से कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारे घर में कितनी बड़ी हुई है, तो बंदला में इतनी बड़ी मक्खी होगी है। अब आप देखिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और तो कोई चारा नहीं है। और अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, दिखाते हैं आपको नज़ारा। तो ये देखिए पैराग्लाइडिंग पॉइंट, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है, सेम सही है। तो दिखाते हैं आपको और भी। तो अभी हम पहुंच गए हैं बंदला हिल्स, और यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हो स्पॉट, ये है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। तो अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कौन ही पैराग्लाइडिंग करेगा, तो अभी तो यहाँ पे कोई पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही है। बट हाँ, ये है वो स्टेशन जहाँ से एक्चुअली में पैराग्लाइडर्स उड़ते हैं। और वो जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, वो देखो वहाँ पे जो सन की लाइट पड़ रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जाके पैराग्लाइडर्स उतरते हैं। तो वो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। और अभी हम हैं बंदला, अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले वो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक सा पिया ना, उससे थोड़े डकार से आ रहे हैं, तो सॉरी, क्षमा चाहूँगा। आई होप कि आपको बंदला के जो ये नज़ारे हैं बहुत अच्छे लगे होंगे, और जो आपको हमने बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाया और साथ में आपको पैराग्लाइडिंग पॉइंट दिखाया, तो आई होप कि आपको ये बहुत सुंदर लगा होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर सुंदर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।